स्टोरी वन तो देखो तुम लोग के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो नोटिफिकेशन फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग टुवर्ड्स एडमिशन इन बीई कोर्सेज। तो हम लोग का जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। अब देखो स्टार्ट करने का मतलब ये है कि जो कॉलेजेस है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वो अब स्टार्ट कर दिए हैं डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कंडक्ट करवाना। तो अब कैसे पता चलेगा कौन सा कॉलेजेस कब डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग करवा रहा है? तो जैसे कि तुमको उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के चेक करना पड़ेगा कि कौन कॉलेज कब मतलब डिसेंट्रलाइज करवाने वाला है। जैसे ये UIT वर्धमान का ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हो ये UIT वर्धमान का पेज है। तो उसी तरीका से जो जादवपुर हो गया, कल्याणी हो गया, उनका ऑफिशियल वेबसाइट पर तुम्हें जाकर के चेक करते रहना पड़ेगा, अपडेट लेते रहना पड़ेगा। लेकिन आप लोग इतना चिंता मत कीजिए, मैं ही मतलब सबसे पहले आपको अपडेट दूंगा डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग रिगार्डिंग। तो बस चैनल पर बने रहेगा, कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले दूंगा। तो जैसे कि इस पर मैं अगर क्लिक करूंगा तो आपके पास एक पेज ओपन होगा, ठीक है, जहाँ पर सारा कुछ डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या बताया गया है, दिस इज टू नोटिफाई फॉर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट राउंड डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग जो स्टार्ट हो चुका है अगेंस्ट द वैकेंट सीट्स, जो कि कब तक होगा, 22 सितंबर तक होगा। अब देखो अगर तुम वो स्टूडेंट्स हो जिनका रैंक काफ़ी हाई है, हाई का कहने मतलब कि 20,000 से ज़्यादा रैंक आया हुआ है, तो ये UIT वर्धमान जो है ना, ये तुम लोगों के लिए बेस्ट है अगर तुम्हारा रैंक काफ़ी हाई है एंड तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। वैसे मैं UIT वर्धमान को रिकमेंड करता हूँ नहीं, बींग अ गवर्नमेंट कॉलेज इसका प्लेसमेंट उतना भी कुछ खास है नहीं, ओके, लेकिन फिर भी तुमको अगर चाहते हो कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो चाहिए एंड अगर रैंक ज़्यादा है तो तुम इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिनका रैंक 10,000 से कम है तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोग के लिए जो बेहतर कॉलेजेस है उनमें आपको मिल सकता है, ओके। तो और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात बताया गया है, तो जैसे WBJ का वैलिड एक मेरिट रैंक होना चाहिए, ये जो है JEE मेंस के थ्रू भी लोग एडमिशन लेते हैं, ठीक है। और क्या क्या है आप लोग पढ़ लीजिए, इसका जो PDF है मैं आपको अटैच कर दूंगा, अदरवाइज आप तो वेबसाइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर ही सकते हैं। एंड और क्या बताया गया, द एप्लीकेंट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन टू द फॉलोइंग लिंक, इस लिंक पर जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा एंड एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 18 सितंबर है। तो ध्यान दीजिए 18 सितंबर तक आपको अप्लाई कर लेना होगा डिसेंट्रलाइज के लिए एंड ये ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, द अलॉटमेंट शैल बी पब्लिश्ड ऑन 20 सितंबर, यानी 20 सितंबर को जो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल मतलब जो जो स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकता है वो पब्लिश किया जाएगा। एंड जैसे कि आपको पता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको तो कॉलेज जाना ही पड़ेगा एंड जो भी कुछ है प्रोसेस वो 22 सितंबर तक कम्प्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको जो भी इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो से मिल गया है रिगार्डिंग UIT वर्धमान को जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है। और कुछ भी अपडेट आता है कोई भी कॉलेज का रिगार्डिंग, आप मतलब टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि कल्याणी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, जलपाईगुड़ी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, जादवपुर का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कुछ भी अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले आपको डिलीवर करूँगा, ठीक है। तो अगर सपोज़ अगर रैंक ज़्यादा है तुम्हारा, 20,000 से ज़्यादा है या 18,000-17,000 रैंक है, तो मैं तुमको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि इस कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करो। अगर तुम्हारा रैंक कम है मतलब अच्छा रैंक है जैसे कि 10,000 के नीचे है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस कॉलेज के लिए, ओके। तो कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिए या हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो @WBG हेल्प डेस्क उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको हर एक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर ही मिल जाएगा, ठीक है।